नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आइए ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, आज लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं आप लोग अपने सभी रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? सभी दोस्तों यूट्यूबर्स ने सभी आपको ऐसा बताया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप लोग अपने सभी रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक नहीं कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आपका रुपए क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक का हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, रुपए कार्ड होते हुए भी दोस्तों आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक नहीं कर सकते। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हैं ये पागल हो गया है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है और अगर वो कोई भी को ब्रांडेड कार्ड है तो आप उसको रुपए कार्ड को यूपीआई से लिंक नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास ये बैंक ऑफ बड़ौदा का रुपए क्रेडिट कार्ड है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों ये को ब्रांडेड है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ, एचपी के साथ दोस्तों ये को ब्रांडेड है। लेकिन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का रुपए क्रेडिट कार्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, रुपए क्रेडिट कार्ड। लेकिन दोस्तों मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक नहीं कर सकता। मैंने बहुत ट्राई करा, लेकिन दोस्तों ये यूपीआई से लिंक नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों आइए मैं चलकर आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि आपके पास कोई भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आप एचडीएफसी का ट्राई कर लीजिए, एक्सिस बैंक का ट्राई कर लीजिए, रुपए क्रेडिट कार्ड हो, लेकिन अगर वो किसी के साथ को ब्रांडेड है तो आप लोग यूपीआई से लिंक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लाइव चलकर देखते हैं, फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने भीम यूपीआई ऐप खोल ली है और यहाँ पर आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर हमने क्लिक करा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जानते हैं मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड है, बट यहाँ पर लिखा आ गया उप्स प्लीज़ चेक यूपीआई करेक्ट फ़ोन नंबर डाल रखा है, यानी को ब्रांडेड कार्ड नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो बैंक ऑफ बड़ौदा का रुपए क्रेडिट कार्ड था वो दोस्तों यूपीआई से लिंक नहीं हुआ। दोस्तों मेरा जो अकाउंट था उस अकाउंट से ये फैच नहीं हुआ, जबकि मेरे मोबाइल नंबर पर ही दोस्तों ये रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर कोई भी रुपए का दोस्तों कार्ड हो वो को ब्रांडेड नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से दोस्तों उसी बैंक का कार्ड होना चाहिए। कोई को ब्रांडेड कार्ड नहीं होगा तो वो रुपए कार्ड होगा तो यूपीआई से लिंक आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी होगी। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।